आप मुझे एक बात बताइए, आम आदमी किसी से बात कर दीजिए, लगता ही नहीं कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा, लगता है बीजेपी का एक छोटा मोटा नेता बोल रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। संविधान की शपथ लेते हैं और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया कोड, उसको आप कॉम्युनल कोड कहते हैं, अटल जी के खिलाफ एक तरह से बोलते हैं कि पहली सरकारों में आतंकवाद के हमले होते थे। अटल जी के वक्त मैं मानता हूं कि संसद पे हमला हुआ था, मैं मानता हूं कि कंधार का विमान अपहरण हुआ था, ये सब हुआ हम जानते हैं। लेकिन आज के दिन अटल जी का अपमान करना, कम से कम अटल जी ने ISI को पठानकोट का निरीक्षण करने तो नहीं बुलाया था। तो जब करप्शन पे बात की तो किस किस का नाम लिया? पहले तो प्रफुल्ल पटेल का नाम लेते थे, अशोक चव्हाण जी का नाम लेते थे, अजीत पवार जी का नाम लेते थे, शुभेंदु अधिकारी जी का नाम लेते थे, हेमंता बिस्वा शर्मा जी का नाम लेते थे। आज क्या इनमें से किसी का नाम लिया? उन्होंने आज बांग्लादेश के ऊपर भी बात करी, बांग्लादेश के साथ खड़ा इंडिया और चाहता है कि जो हम जानना चाहते हैं बांग्लादेश के हिंदुओं के रक्षा के लिए क्या कदम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उठाए। ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं CAA लाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब क्या हुआ? हम ये जानना चाहते हैं बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए